हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगन अपने सामने वेंडिगो और हल्क को लड़ते हुए देखता है। हल्क कहता है, मुझसे लड़ना बंद करो वेंडिगो, मैं यहाँ तुम्हें क्योर करने आया हूँ। लोगन सोचता है, ये तो वो टाइम है जब मैं पहली बार बैनर के खिलाफ लड़ा था, वो रहा ताबीज। अगर मैं इस ताबीज तक पहुँच पाया तो मुझे इन दोनों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लोगन उन दोनों की तरफ कूदता है और कहता है, हट जाओ बालों वाले, वुल्वरीन आ रहा है। और फिर लोगन उनसे लड़ने लगता है और सोच रहा है, क्या मैंने सच में ये कहा था, जैसे कि ये चीज़ मेरे मुंह से निकल गई हो। हल्क कहता है, छोटा आदमी हल्क पे अटैक करता है और एक खरगोश की तरह उछलता है, रुक जा छोटे आदमी वरना हल्क स्मैश कर देगा। अब वेंडिगो लोगन से लड़ने आता है। लोगन सोच रहा है, वेंडिगो अगर मुझे याद है तो ये सफ़ेद बालों वाला हल्क से भी बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके जितनी ताकतवर नहीं है। हल्क कहता है, हल्क को समझ नहीं आ रहा, पहले छोटा आदमी हल्क से लड़ता है और उसके बाद हल्क के दुश्मन से लड़ता है, तब हल्क भी छोटे आदमी को हल्क के दुश्मन से लड़ने में मदद करेगा। लोगन सोच रहा है कि मैं बैनर को चिल्लाकर सच बताना चाहता हूँ कि ये पूरी चीज़ इसीलिए शुरू हुई क्योंकि मैं बैनर के पोते को बचाना चाहता था। मैं बताना भी चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। अब वुल्वरीन हल्क पे अटैक कर देता है। हल्क कहता है, क्या अब तुम हल्क पे अटैक कर रहे हो, मैंने सोचा था कि तुम हल्क के दोस्त थे, हल्क ने तुम पे यकीन किया था। तब हल्क को ताबीज़ दिखाई देता है और वो ताबीज़ को उठा लेता है। उसके बाद हल्क उस ताबीज़ को दूर फेंक देता है और एक पत्थर उठाकर लोगन पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लोगन बच जाता है और हल्क पे अटैक करते हुए कहता है, कुछ ही सेकेंड्स में तुम तारे देख रहे होगे। अब लोगन वहाँ से भागते हुए सोच रहा है, मुझे ताबीज़ की स्मेल मिल चुकी है लेकिन ये कम होती जा रही है, इसलिए मेरे पास हल्क से लड़ने के लिए टाइम नहीं है। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं उसे तारे दिखा दूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जैसे कि हर टाइम मेरा खुद पे कंट्रोल रहता है लेकिन मैं फिर भी वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मैंने पास्ट में की थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं इस तरह एक्ट क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि मैं टाइम ट्रैवल के रूल्स जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तब मैं उस झूठे कमीने के टुकड़े कर दूंगा। अब लोगन उस ताबीज़ के पास पहुंचकर उसे पकड़ने ही वाला होता है कि हल्क आकर उस पर अटैक कर देता है और कहता है, हल्क को छोटा आदमी पसंद नहीं है। अब तक लोगन उस ताबीज़ को पकड़ चुका होता है और मन में कह रहा है, और इस तरह मैंने अपनी आत्मा को अपने अंदर से निकलते हुए फील किया और वापस टाइम स्ट्रीम में जाते हुए। मैं नहीं जानता कि किस चीज़ से ज़्यादा दर्द होता है, इस चीज़ से या फिर हल्क के हाथों पीटते रहने से, और ये दर्द इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि मैं ये नहीं जानता कि मैं आगे कौन से टाइम में जाने वाला हूँ। अब लोगन न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में उस टाइम पे पहुँच जाता है जब जीन के ऊपर फिनिक्स फोर्स ने कब्जा कर लिया था। लोगन कहता है, प्लीज़ मैं यहाँ नहीं आना चाहता, कहीं भी लेकिन यहाँ नहीं। जीन कहती है, सुनो एक्समैन, अब मैं वो औरत नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे, मैं आग हूँ, मैं अवतार हूँ, अब और हमेशा के लिए मैं फिनिक्स हूँ। इसके बाद जीन सब एक्समैन को दूर फेंक देती है। लोगन सोच रहा है, मैं तो भूल ही गया था कि वो कितनी ताकतवर थी और कितनी खूबसूरत भी। ये पूरी चीज़ जो एस्मोडियस ने मेरे साथ की है, इसमें कुछ तो गलत है, मुझे यहाँ चीज़ों को चेंज करना था। मैंने कसम खाई थी कि मैं जीने को फिर से मरते हुए नहीं देखूँगा, भगवान मेरी मदद करे, इस टाइम कुछ अलग होने वाला है। अब लोगन अपने क्लोज निकालकर जीन की तरफ लपकता है, लेकिन जीन अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, तुम सब पे अटैक करके मैंने अपने आप को उस रिश्ते से आज़ाद कर लिया है जो मेरा तुम लोगों के साथ था। लोगन मन में कह रहा है, नहीं, ये वही पल है जब हमने जीन को खो दिया, इसी टाइम वो हमें छोड़कर चली गई थी और हमें वो फिर कभी वापस नहीं मिली, उस तरह से तो नहीं जिस तरह से वो पहले थी, मैं उसे जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। मेरा दिमाग मेरी टांगों को भागकर जीन को पकड़ने के लिए चिल्ला रहा है, उसे जाने से रोकने के लिए कह रहा है, उसे स्पेस में जाने से रोकने के लिए और उन भयानक चीज़ों से रोकने के लिए जो स्पेस में उसका वेट कर रही थी, लेकिन मैंने कितने ही ज़ोर से हिलने की कोशिश की फिर भी मैं वहीं खड़ा था, रुककर एक बेवकूफ़ की तरह उसे देख रहा था, जैसे पास्ट में देखा था, ठीक उसी तरह जैसे बैनर के साथ जो कुछ मैंने किया अब भी ठीक वैसे हुआ। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोशिश करना बेकार है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो कुछ भी एस्मोडियस ने मुझे पास्ट में भेजने के लिए किया, मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, मैं बस इसे देख सकता हूँ जीन को मुझे छोड़कर जाते हुए। अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहता, मैं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है,
मैं बस जाना चाहता हूँ, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ और कब, कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। अब लोगन वो ताबीज़ उठाता है और लोगन की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लोगन जापान में निंजाज से लड़ रहा होता है और कहता है अब मज़ा आने वाला है। तो मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, उस तरह से तो नहीं जिस तरह से मैं चाहता हूँ। जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वो अब भी होने वाली है और मैं उस चीज़ का विरोध करते हुए पागल बन सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने इन सब से सीखी है वो ये है कि कई बार तुम्हें किसी की चटनी बनानी ही पड़ती है। इन सब के मरने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी नहीं। कहते हैं कि तुम एक ही बार जीते हो, लेकिन ये झूठ है। मैं इतने लाइफ जी चुका हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं है और कई लाइफ हार भी चुका हूँ। तो मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं इन जिंदगियों को दोबारा जीने पे मजबूर हूँ तो मुझे इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब लोगन मारिको के पास जाता है। मारिको कहती है लोगन क्या तुम ठीक हो, बहुत देर कर दी आने में, मैं डर गई थी। लोगन कहता है मैं ठीक हूँ मारिको, बस तुम्हें बहुत याद किया। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। अब लोगन सोचता है ठीक है अब मैं जा सकता हूँ, हर एक जंप मुझे टाइम में आगे ले जा रही है और मुझे वापस जाना ही होगा। अब लोगन ताबीज़ का यूज़ करते हुए एक सीवर लाइन में पहुँच जाता है और उसका ढक्कन खोलते हुए सोच रहा है मैं इसे स्मेल कर सकता हूँ सीवर लाइन में से भी, मैं उस स्मेल को कहीं से भी पहचान सकता हूँ। मुझे खतरा महसूस हो रहा है, ज़िंदगी महसूस हो रही है, मैड्रीपोर महसूस हो रहा है। और फिर लोगन मैड्रीपोर में पहुँच चुका है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।